तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहाँ तक जनता जानती हो तो नवा आपके पास नहीं की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं। और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। बेटा 5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल रहे इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। इतना दिन खींच कर चल रहे इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में। चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहां तक जनता जानती हो तो नवा आपके पास नहीं की है। तो किस स्कूल में गए सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा। मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तो तेजस्वी यादव जब खुद विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है। विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताया जाता है, उस भाषा में उस वल्गैरिटी के साथ नहीं बताया जाता है जिस तरीके से इस राज्य का मुखिया खड़ा होकर विधानसभा में निर्लज्ज बनकर इस राज्य में आधी आबादी महिलाओं की है और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के संदर्भ में उन्होंने बात की है, ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव के ही विभाग पार्टी के यहाँ पर आजकल शिक्षा मंत्री, यहाँ के सेक्स एजुकेशन में भी इसको शामिल कर दीजिए और देखिए कि घर घर में लोगों को जाकर ये भी तेजस्वी यादव भी ये सेक्स एजुकेशन ये शुरू कर दें पूरे पब्लिक के लिए, तो पता चलेगा कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जाकर जरा बोले तो ये बात है।